गुड मॉर्निंग क्लास। आज भूगोल की सीरीज़ में आज हम भारत का भूगोल का अध्ययन करेंगे। आज मैं भारत के भूगोल का अध्ययन करेंगे और भारत के भूगोल का पहला चैप्टर से हम या पहले अध्याय से भूगोल की अगली कड़ी शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है भारत का भूगोल, ठीक है। और भारत के भूगोल के अंतर्गत ये भारत का क्षेत्रफल है, ठीक है। अब सबसे पहला ये मैप जो देखा आपने, इस मैप में अगर क्वेश्चन सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। साथ साथ नोट करते चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद क्वेश्चन आएगा भारत की पूर्वी सीमा किस राज्य से शुरू होती है, तो भारत की पूर्वी सीमा कौन सा राज्य, भैया अरुणाचल प्रदेश से शुरू होती है। भारत की पश्चिमी सीमा किस राज्य तक जाती है, गुजरात तक। भारत की उत्तरी सीमा किस राज्य से शुरू होती है, जम्मू कश्मीर से। भारत की दक्षिणी सीमा किस राज्य तक जाती है, तमिलनाडु तक। अब इसमें क्वेश्चन ये आ जाए कि भारत का पूर्वी बिंदु क्या है। देखिए अभी हमने पूर्वी सीमा बताई थी, अब है पूर्वी बिंदु। तो भारत का जो पूर्वी बिंदु है वो किवीथु है। किवीथु किस राज्य में है, अरुणाचल प्रदेश में। किस में है, अरुणाचल प्रदेश। यहीं पर आपको बताना है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, ईटानगर। और अरुणाचल प्रदेश के जो सीएम हैं वो पेमा खांडू हैं। पश्चिमी भारत का जो पूर्वी सीमा हुई, पूर्वी बिंदु हो गया, सॉरी, भारत का पूर्वी बिंदु किवीथु अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। भारत का पश्चिमी बिंदु गौरमोता है। भारत का पश्चिमी बिंदु गौरमोता है, ये पश्चिमी बिंदु हो गया, ये गुजरात में है, ठीक है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। और गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है, गुजरात के मुख्यमंत्री कोई बता सकता है, भूपेंद्र पटेल है, ठीक है। भारत का उत्तरी सीमा जम्मू कश्मीर है। जबकि क्वेश्चन आ जाए भारत का उत्तरी बिंदु, तो भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल पॉइंट है। कौन सा है, इंदिरा कॉल पॉइंट। भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट। कौन सा है, इंदिरा पॉइंट। ये हमने आपको 10 क्वेश्चन बताए अभी। सबसे पहला क्वेश्चन बताया हमने भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। समझ आ गया। दूसरा क्वेश्चन आए कि भारत की पूर्वी सीमा किस राज्य से शुरू होती है, अरुणाचल प्रदेश से। तीसरा क्वेश्चन आए भारत की पश्चिमी सीमा कहाँ तक जाती है, गुजरात तक। चौथा क्वेश्चन है भारत की उत्तरी सीमा कहाँ शुरू होती है, उत्तरी सीमा जम्मू कश्मीर शुरू होती है। चौथा क्वेश्चन भारत की दक्षिणी सीमा किस राज्य से शुरू होती है, किस राज्य तक जाती है, तमिलनाडु तक। क्वेश्चन आएगा भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा है, किवीथु। कौन सा है, किवीथु, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। भारत का पश्चिमी बिंदु कौन सा है, भारत का पश्चिमी बिंदु गौरमोता है, गुजरात में है। भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है, इंदिरा कॉल पॉइंट। भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट, ठीक है बेटा। और इंदिरा पॉइंट को ही हम पॉइंट पिग्मेलियन या पॉइंट पाटसन कहते हैं, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। इतना समझ में आया, इसको हम क्या कहते हैं, पॉइंट पिग्मेलियन। दिख रहा नीचे का, या पॉइंट पाटसन कहते हैं। इसके बाद हम आगे देखते हैं, इतना समझ में आ गया। क्वेश्चन आएगा भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। दूसरा क्वेश्चन आएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, सातवां। कौन सा है, भारत से बड़े 6 देश कौन कौन से हैं, भारत से बड़े 6 देश। इसकी ट्रिक है, रखू भाई, यानी आर से रूस, सी से कनाडा, आर नहीं, एक सी और आएगा यहाँ, सॉरी, रूस कनाडा चीन, हाँ रूस कनाडा चीन, तीसरे नंबर पे चीन, नहीं तीसरे पे चीन नहीं है, तीसरे पे यूएसए है, तीसरे पे यूएसए, चौथे पे यहाँ पर चीन है, पांचवें पे ब्राज़ील है, छठवें पे ऑस्ट्रेलिया है, और सातवें पे भारत है। यानी भारत से बड़े 6 देश कौन कौन से हैं, नंबर 1 पे रूस, नंबर 2 पे कनाडा, नंबर 3 पे यूएसए, नंबर 4 पे चाइना, नंबर 5 पे ब्राज़ील, नंबर 6 पे ऑस्ट्रेलिया, नंबर 7 पे भारत। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान, सातवां, सातवां स्थान।
लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो दूसरा है। कौन सा है भैया? दूसरा। और भारत से बड़ा कौन है नंबर एक पे? चीन। इतना समझ में आ रहा? इसके बाद हम आगे देखते हैं भैया, यहीं पे पढ़ा जरूर भारत का भूगोल रहे, लेकिन हम थोड़ा सा, मैंने आपको अक्षांश देश अंतर वाले वीडियो में बताया था कि भारत के बीच, सॉरी पृथ्वी के बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है, उसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं। बताया था भूमध्य रेखा के ऊपर वाला हिस्सा या उत्तर वाला हिस्सा होता है वो उत्तरी गोलार्ध होता है, नीचे वाला हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध होता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत किस गोलार्ध में है, तो भैया भारत की स्थिति यहाँ है, ये बना है हमारा छोटा सा, तो भारत किस गोलार्ध में बताइए? उत्तरी गोलार्ध में। समझ आया? इसके बाद मैंने उसी अक्षांश और देशांतर में, ये अक्षांश बताया था, फिर देशांतर में मैंने आपको बताया था कि जीरो डिग्री देशांतर रेखा पृथ्वी को दो गोलार्धों में बांटती, पूर्वी और पश्चिमी। तो अगर क्वेश्चन आ जाए देशांतरी दृष्टि से भारत किस गोलार्ध में? पूर्वी। और अक्षांशीय दृष्टि से किस में? उत्तरी। अगर सीधे वो पूछता है कि अक्षांशीय और देशांतरीय दृष्टि से भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, समझ आ गया होगा भैया, ना आया हो दोबारा से पूछ लें। अब आगे देखते हैं, अगर क्वेश्चन आएगा अक्षांशीय दृष्टि से भारत किस गोलार्ध में है, तो पूर्वी। अक्षांशीय दृष्टि से आएगा तो उत्तरी है, सॉरी, और देशांतरी दृष्टि से आएगा तो पूर्वी। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ भैया? अब हम आगे देखते हैं, अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत अक्षांशीय और देशांतरी दृष्टि से किस गोलार्ध में, तो उत्तर पूर्वी। समझ आ रहा बेटा? आ रहा? नेक्स्ट क्या है आगे भैया? ये आपको हमने भारत बताया, एक कोण देखिए भारत का ये बनता है, एक कोण ये बन रहा है, एक कोण ये बन रहा है, एक कोण ये बन रहा है। तो अगर क्वेश्चन वो करता है कि भारत की आकृति कैसी है, तो भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। कैसी है? चतुष्कोणीय है भारत की आकृति, चतुष्कोणीय है। नोट करते चलिए, काफ़ी बड़ी स्क्रीन है, आराम से अच्छे से आ जाएगा। अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो देखिए मैंने अक्षांशीय और देशांतर पढ़ाया था आपको कि ये जीरो डिग्री अक्षांश रेखा पृथ्वी को दो गोलार्धों में बांटती है, ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। तो भैया ध्यान देना, यहीं पर बता दे रहे हैं इसी वाले में, सपोज दैट जीरो डिग्री अभी हमने यहाँ बनाई थी, अब ये है जीरो डिग्री। तो जीरो डिग्री अक्षांश रेखा पृथ्वी को दो गोलार्धों में बांटती है, उत्तरी और दक्षिणी। तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच हमें से एक डिग्री का अंतराल होता है, तो अगर ये जीरो डिग्री है तो इसके ऊपर वाली एक डिग्री होगी, एक के ऊपर दो होगी, दो के ऊपर तीन होगी, तीन के ऊपर चार होगी, चार के ऊपर पाँच होगी, पाँच के ऊपर छः होगी, छः के ऊपर सात होगी, सात के ऊपर आठ। तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो आठ डिग्री से शुरू होता है। कितने डिग्री से? क्लियर हुआ? भारत का अक्षांशीय विस्तार आठ डिग्री चार मिनट से शुरू होता है, और उत्तर में यहाँ कहाँ तक जाता है? 37 डिग्री 6 मिनट तक। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट शुरू होता है और 37 डिग्री 6 मिनट तक जाता है। क्लियर? अगर देशांतरी दृष्टि से पूछेगा तो ये देखिए 0 डिग्री है, ठीक है। तो भारत की पूर्वी सीमा यहाँ शुरू होती है गुजरात से, तो गुजरात से जो रेखा गुजरी है वो 68 डिग्री है। कौन सी है? और यहाँ अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पर जो रेखा है वो 97 है। यानी अक्षांशीय विस्तार भारत का 8 डिग्री 4 मिनट शुरू होता है, 37 डिग्री 6 मिनट तक जाता है, जबकि देशांतरी विस्तार 68 डिग्री शुरू होता है और 97 डिग्री 25 मिनट तक जाता है। क्लियर आया? समझ आया बेटा? नहीं आया हो तो फिर से पूछ लो। तो भारत का देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट शुरू होता है और 97 डिग्री 25 मिनट तक जाता है। इतना समझ में आया? इसके बाद मैं एक बार फिर से बताता हूँ, ध्यान सुनिए। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में क्या स्थान? सातवां। भारत से बड़े छह देश कौन कौन से? नंबर एक रूस, नंबर दो पे कनाडा, नंबर तीन पे यूएसए, नंबर चार पे चीन, नंबर पांच ब्राजील, नंबर छह पे ऑस्ट्रेलिया, नंबर सात पे भारत। समझ आया? बोलो स्वाहा। आगे भारत का पूर्वी बिंदु पूछेगा तो किवितु। किवितु किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर। भारत का पूर्वी सीमा किस राज्य से शुरू होती है? अरुणाचल प्रदेश से शुरू होती है। भारत की पश्चिमी सीमा किस राज्य तक जाती है? गुजरात तक जाती है। बेटा अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। अगर क्वेश्चन पूछता है गुजरात की राजधानी क्या है, तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। अगर क्वेश्चन आ जाए प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र गांधीनगर में है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि गांधीनगर के सांसद कौन है, एमपी कौन है? माननीय अमित शाह जी। आप लोग बोलिए नहीं, धीमे से बोलिए, बस सुनाई ना दे। क्वेश्चन आ जाए माननीय अमित शाह जी कहाँ के सांसद हैं? बड़ौदा।
अहमदनगर के हैं, कहाँ के एम सॉरी गांधीनगर के, सॉरी गांधीनगर के सांसद हैं और यहीं के, हमने आपको बताया गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, गांधीनगर में क्या है प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र है, इसी गांधीनगर के सांसद कौन है, माननीय अमित शाह जी, भारत के गृह मंत्री हैं और सहकारिता मंत्री हैं। नेक्स्ट आप लोग नहीं बोले, नेक्स्ट क्या है, भारत की उत्तरी सीमा जम्मू कश्मीर शुरू होती है, अगर क्वेश्चन आ जाए भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा, इंदिरा कॉलपॉइंट, भारत की दक्षिणी सीमा तमिलनाडु तक जाती है, क्वेश्चन आएगा भारत का दक्षिणी बिंदु क्या है, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट को ही पॉइंट पिग्मेलियन या पॉइंट पार्टसन के नाम से जाना जाता है, ये अंडमान निकोबार में है, कहां पर है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, पहला किसका है, चाइना का। फिर अगर हमने बताया कि भारत का अक्षांशी विस्तार, फिलहाल तो ये बताया हमने कि भारत की आकृति कैसी, कितनी कोणी बताई, चतुष्कोणी। फिर हमने बताया कि भूमध्य रेखा भारत को दो भागों में बांटती है, तो भूमध्य रेखा के भारत उत्तर में है, इसलिए भारत कौन से गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में। भारत की अक्षांशीय विस्तार क्या डिग्री शुरू होता है, 8 डिग्री 4 मिनट से, कहाँ तक जाता है, 37 डिग्री 6 मिनट तक। देशांतरी विस्तार कहाँ शुरू होता है, 68 डिग्री 7 मिनट से, कहाँ तक जाता है, 97 डिग्री 25 मिनट तक। क्लियर। अगर वो क्वेश्चन कहता है कि भारत की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई कितनी है, 2933 किलोमीटर, समझ आया। अगर क्वेश्चन कहता है भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है, तो है आपकी 3214 किलोमीटर, समझ आया भैया कि नहीं आया, बोलिए। इतना आ गया। अब इसके बाद भारत की मानक समय रेखा कितने डिग्री से गुजरती है, तो भैया देखिए भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री देशांतर से गुजरती है, कितने से, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से गुजरती है, यानी भारत का समय निर्धारित कौन सी रेखा करती है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, और ये इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है, कहाँ से, इलाहाबाद के नैनी। भैया वर्तमान में इलाहाबाद का नाम प्रयागराज है, क्या है, प्रयागराज, और प्रयागराज किस राज्य में है, यूपी में, यूपी की राजधानी क्या है, लखनऊ। लखनऊ किस नदी किनारे है, गोमती। यूपी के वर्तमान में सीएम कौन है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी। यूपी के गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल जी। नेक्स्ट, तो भारत की पूर्वी देशांतर रेखा या भारत का समय निर्धारित करने वाली रेखा कौन सी है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा इलाहाबाद के नैनी से गुजरी है, कहाँ से गुजरी, इलाहाबाद के नैनी से, और ये रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, कितने राज्यों से, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 5 राज्य कौन कौन से हैं, सबसे पहले यूपी, यूपी के नीचे हम आए एमपी, एमपी के नीचे आए हम छत्तीसगढ़, उड़ीसा, और सबसे नीचे आखिरी में आंध्र प्रदेश। यानी भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से गुजरती है, कितने राज्यों से गुजरती है, 5 राज्यों से गुजरती है। भारत का समय निर्धारित कौन सी रेखा करती है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, 5 राज्यों से गुजरती है, और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा प्रयागराज या इलाहाबाद से नैनी से होकर गुजरती है, और ये कितने राज्यों से गुजरती, 5, कौन कौन, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, समझ आया। इसके बाद हम आगे चलते हैं। भैया हमने आपको बताया कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा ये भारत का समय निर्धारित करती है, पूरे भारत का समय ये रेखा निर्धारित करती है। हमने आपको बताया कि भारत का देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक है, तो इसमें समय में डिफरेंट होता है, कैसे, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होते हैं, 1 डिग्री बराबर कितने मिनट होते हैं, 4 मिनट, और भारत जो है वो 82.5 डिग्री पूरब में है, भारत कहाँ है, 82.5 डिग्री पूरब में, तो 82.5 डिग्री के पीछे ही तो होगी 68 डिग्री होगी, और 82.5 डिग्री के आगे होगी 97 डिग्री, समय निर्धारित ये कर रही। तो भैया 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है, 68 डिग्री पर अगर क्वेश्चन पूछता है कि 68 डिग्री यानी गुजरात में कितना बजा होगा, और उसी समय 97 डिग्री अरुणाचल प्रदेश में क्या बज रहा होगा, और उसी समय 82.5 डिग्री प्रयागराज में यानी इलाहाबाद में क्या बज रहा होगा। तो सुनना, इसमें करने के लिए हम कुछ नहीं करते हैं, 97 में से हम 68 घटाते हैं, 17 में से 8 गए 9 बचे, यहाँ 8 बचे 8 में से 6 गए 2, यानी 29 डिग्री हो गया। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट है, 29 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 29 गुणा 4 9 चौके 36 की 6 हासिल 3, 4 दूनी 8 3 11 116, यानी लगभग 120 मिनट, यानी 2 घंटे का डिफरेंट है, किसमें, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में। नहीं समझ में आया, भारत का मानक समय रेखा नैनी प्रयागराज जी निर्धारित कर रहा, लेकिन 82.5 डिग्री तो भारत के 20 से गुजर गई ना, 97 डिग्री और पूर्व में होगी और 68 डिग्री पश्चिम में होगी भारत के, तो 97 और 68 के बीच यानी भारत के अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच समय का अंतराल कितने घंटे का है, 2 घंटे का, समझ आया।
अगर क्वेश्चन आ जाए भारत की मानक समय रेखा कितने राज्यों से गुजरती, पांच, कौन कौन है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। इसके बाद हम आगे देखते हैं, इसी में एक क्वेश्चन और बनता है कि यहां पर 23.5 डिग्री उत्तर में एक रेखा है, वो एक कर्क रेखा, इसको अंग्रेजी में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा है, ऐसे क्या कहते हैं हम, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा है उसे हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और 23.5 डिग्री कर्क रेखा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो भारत के कितने राज्यों से गुजरती, आठ, कितने, आठ। और वो आठ राज्यों की ट्रिक क्या है, गर्म छाज पतीले में, गर्म छाज पतीले में, मतलब इसका क्या हुआ, वो गुजरात में जाती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पावरला से पश्चिम बंगाल, ता से त्रिपुरा, मा से मिजोरम। कर्क रेखा भारत के पांचों, भारत के आठ राज्यों से गुजरती, कौन कौन है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। इसमें क्वेश्चन वो कहता है कि कर्क रेखा की सबसे अधिक लंबाई किस राज्य में, सबसे अधिक लंबाई मध्य प्रदेश में, लेकिन वो कहते कर्क रेखा की सबसे कम लंबाई कहाँ है, राजस्थान, सबसे कम लंबाई राजस्थान, ठीक है। इसके बाद अब हम आगे देखते हैं, झारखंड की राजधानी क्या है, रांची, झारखंड की राजधानी क्या है, रांची, झारखंड की राजधानी रांची है, और रांची जो है वो किस रेखा पर है, कर्क रेखा पर, किस रेखा पर, और झारखंड की राजधानी क्या है, रांची, और रांची किस रेखा पर है, कर्क रेखा पर, और यहाँ की सीएम का नाम है हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 164 के एक में मिलता है, और आर्टिकल 163 में राज्य मंत्री परिषद का भी प्रावधान किया गया है। अगर ऑप्शन में क्वेश्चन वो कहता है कि मुख्यमंत्री का उल्लेख किस आर्टिकल में है और उसमें आर्टिकल 164 ना दिया हो, 164 का वन, तो आप आर्टिकल 163 लगा देंगे, गलत नहीं होगा। इसके बाद कर्क रेखा पर स्थित शहर रांची है, ठीक है। फिर हमने आपको बताया कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती, ये भी बता दिया हमने। क्वेश्चन आ जाता है कि भारत की स्थल सीमा की लंबाई, देखो भाई ये स्थल सीमा जी ऊपर वाली होगी यानी जो समुद्र को ना छूती हो, भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर, लेकिन अगर वो कह दे कि भारत की तटीय भाग की लंबाई यानी ये वाली तटीय भाग की लंबाई जो है 7516 किलोमीटर है, कितनी है, 7516.6 किलोमीटर। इसके बाद ये द्वीपों सहित है, भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है और तटीय भाग की लंबाई कितनी है, 7516.6 किलोमीटर द्वीपों सहित है जी। अगर लेकिन अगर वो कह दे तटीय भाग की लंबाई द्वीप रहित यानी द्वीप ना मिला के द्वीपों रहित कितनी है, 6100 किलोमीटर, कितनी है, 6100 किलोमीटर। इसके बाद हम आगे देखते हैं भारत के कुल राज्य कितने हैं समुद्र को छूते हैं। मैंने आपको बंदरगाह वाले टॉपिक में बताया था कि भारत के कुल 9 राज्य ऐसे हैं जो समुद्र को छूते हैं, जिसमें 4 पूर्वी हैं, 5 पश्चिमी हैं। पश्चिमी कौन कौन है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के नीचे गोवा है, फिर कर्नाटक है, फिर केरल है। 4 राज्य यहाँ पर कौन कौन से हैं, वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है और तमिलनाडु है। भारत के कुल राज्य समुद्र को कितने छूरे, 9। अगर क्वेश्चन आ जाए भारत में कितने राज्य ऐसे हैं जो हिमालय को छूते हैं, 10, कितने, 10। इसके बाद हम आगे देखते हैं, अगर क्वेश्चन आ जाए भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है, रईस पिक्चर देखी होगी, शाहरुख खान कहता है उसमें कि मैडम का नाम मुझे याद नहीं है, उसमें वो कहता है कि फलानी मैडम ने बताया था कि भारत का सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है, गुजरात की। तो भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है, गुजरात की, और दूसरे नंबर पर किसी राज्य की है तो आंध्र प्रदेश की, ठीक है। इसके बाद हम आगे देखते हैं,
अगर क्वेश्चन आ जाए भारत की सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की है, गुजरात की, दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश की। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए भारत की सबसे कम लंबाई या सबसे कम या सबसे छोटी तट रेखा की लंबाई किसकी है, गोवा की। सबसे कम समुद्र तट की लंबाई किस राज्य की, गोवा की। सबसे ज़्यादा कहाँ की, गुजरात की। दूसरे नंबर पर कहाँ की, आंध्र प्रदेश की। क्लियर, समझ आ गया। इसके बाद आगे हम देखते हैं, अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत के कौन कौन से देश ऐसे हैं, पड़ोसी देश जो जली सीमा छूते हैं, भारत की जली सीमा को छूने वाले देश कौन कौन से हैं, श्रीलंका और मालदीव। मालदीव यहाँ है। भारत की जली सीमा को छूने वाले देश कौन कौन से, श्रीलंका और मालदीव, श्रीलंका और मालदीव। इसके बाद अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत के कितने राज्य ऐसे हैं जो पाकिस्तान को छूते हैं, देखो भैया यहाँ है पाकिस्तान। पाकिस्तान को छूने वाले राज्यों की ट्रिक है, एक है पंगू राज, पासे पंजाब, गू से गुजरात, रा से राजस्थान और जे से जम्मू एंड कश्मीर। यानी भारत के कितने राज्य ऐसे हैं जो जम्मू कश्मीर को छूते हैं, तो चार हैं, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर। इसके बाद हम आगे देखते हैं, हो गया था आपको मैंने आज भारत के भूगोल के बारे में बताया। अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।